जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके भी आंसर करने वाला हूं। एक कोर्स का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो साथियों, जो बच्चों का क्वेश्चन पूछा जा रहा है अपने एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, यानी कि जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होना है, तो साथियों उसमें अटकलें लगाई जा रही थी कि जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है वो 18 को नहीं होगा, आगे डेट बढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आपका जो एग्जाम है वो 18 तारीख को होने वाला है, और आपके जो एडमिट कार्ड है हो सकता है 9 या 10 तारीख से आपके आ जाएं, यानी कि 9 या 10 तारीख को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और आपका जो एग्जाम है अभी 18 तारीख को ही होने वाला है। 18 जुलाई को आपका एंट्रेंस एग्जाम है बीएड का, तो अभी उसकी डेट आगे नहीं बढ़ी है। दूसरा है, बच्चे अपने रिजल्ट को लेकर काफी परेशान हैं, जो आपका चाहे वो बीबीए है बीसीए है, कंटिन्यूअसली पूछ रहे हैं सर हमारा रिजल्ट कब तक जारी होगा, जो हमारे ऑड सेमेस्टर के एग्जाम हुए थे काफी डिले हो चुका है, एग्जाम जो है लगभग फरवरी में हुए थे और उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो अब रिजल्ट आपके डिक्लेयर होने स्टार्ट हो गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था इसी वीक में लगभग सभी कोर्सेज का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। उसमें से आज एक कोर्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है जो हमारा एमपीएड कोर्स है, एमपीएड के थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आज डिक्लेयर कर दिया गया है। वो आज दोपहर 12 बजे के बाद आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देख सकते हैं, यानी कि जो हमारा एमपीएड है उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, और जो बाकी कोर्सेज हैं जैसे आपका बीबीए है बीसीए है उनका फर्स्ट सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर, तो उनका रिजल्ट भी बहुत जल्द यानी कि हो सकता है आज या कल में ही जारी कर दिया जाएगा, यानी कि जो कोर्स बचे हैं उनका भी रिजल्ट आज या कल में ही जारी कर दिया जाएगा। दूसरा है, जो हमारे कल से एग्जाम स्टार्ट होने हैं, तो उसके लिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं अपने सेंटर को लेकर, तो जो बच्चे कंफ्यूज हैं अपना नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, क्योंकि कुछ सेंटर चेंज हुए थे तो उनके हाथ में सही एडमिट कार्ड नहीं है, तो वो अपना फिर से दूसरा एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देख लें कि उनका सेंटर कहां पर है कहां पर नहीं है, अपनी वो परीक्षाएं ना छोड़ दें, तो इस चीज को देखते हुए वो अपना एडमिट कार्ड एक बार फिर से दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आगे है, जो हमारे एलएलबी और बीएलबी और एलएलएम वाले जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होने थे या ऑफलाइन होने थे, तो उसमें ऑफलाइन तो होने ही है साथ के साथ ऑनलाइन भी होने हैं, तो कल मीटिंग हुई थी। अब उसमें कुछ चीजों पर डिसीजन आ गया है, कुछ चीजों पर डिसीजन नहीं आया है, यानी कल काफी सारी कंपनियों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया था कि आपके एग्जाम किस तरीके से कराया जाना है किस तरीके से होना है, तो अब उसमें से आज फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि किसको वो दिया जा रहा है, तो आज फाइनल डिसीजन होगा। और काफी सारी चीजों पर डिसीजन आ गया है, यानी कि जो आपके एग्जाम है वो कॉलेज में जाके ही होंगे ऑनलाइन, फिर उसके बाद में जो टीचर है यानी कि जो आपका जहां पर एग्जाम आपका हो रहा है वहां से फिर वो मार्क्स अपलोड कराए जाएंगे, तो कुछ चीजों पर डिसीजन आ गया है, तो इसके लिए बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो मैं आज बनाने वाला हूं कि आपके एग्जाम किस तरीके से होने वाले हैं, यानी कि लॉ के लिए एलएलबी हो बीएलएलबी हो या एलएलएम वाले बच्चे हो तो उनके लिए एग्जाम किस तरीके से होने हैं, तो इसके लिए मैं एक आज सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। तो उसके लिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।